दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए बहुत तेजी से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत में इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से लगाया जा रहा है। अब तक करोड़ों लोग इस वैक्सीन की पहली या दूसरी खुराक ले चुके हैं। इस बीच दुनिया भर में कोविशील्ड वैक्सीन से खून जमने के कई मामले सामने आए हैं। इससे लोगों में कोविशील्ड को लेकर भय देखा जा रहा है। इस संकट के बीच जर्मनी के एक शीर्ष वैज्ञानिक ने वैक्सीन लगने के बाद खून जमने के कारणों और इलाज को खोज लेने का दावा किया है। विश्वभर में ऑक्सफोर्ड और जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ब्लड क्लॉट जमने के कई गंभीर मामले सामने आए हैं। यह खून के थक्के खास तौर पर 50 साल से कम उम्र की महिलाओं में देखे गए हैं। ब्रिटेन में 3,30,00,000 डोज लगाए गए हैं, जिसमें खून जमने के 309 मामले सामने आए हैं। इसी वजह से यूरोप के कई देशों में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन में भी 40 साल से कम उम्र वाले लोगों को यह वैक्सीन नहीं लगाने की सलाह दी गई है। इस बीच जर्मनी के गोइथे यूनिवर्सिटी और उल्म यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह समस्या एडीनो वायरस वेक्टर में है। यह एक सामान्य वायरस है जिसके जरिए वैक्सीन शरीर में प्रवेश कर सकती है। गोइथे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर रॉल्फ मार्शचालिक ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में कहा कि ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन इसलिए समस्या कर रही है क्योंकि यह एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में नए वायरस के जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल एडेनो वायरस के जीन्स के साथ मिलाकर किया गया है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। डॉक्टर रॉल्फ ने कहा कि सर्दी का वायरस बदल गया है ताकि यह आपको बीमार नहीं बनाए। इसमें कोरोना वैक्सीन के जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा भी मिलाया गया है। यह ऐसा हिस्सा होता है जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन बनाने में काम करता है। इसी से एंटीबॉडी वायरस की पहचान करती है और उसे निष्क्रिय करती है। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस घुसता है और हमारी कोशिकाओं को संक्रमित करता है। जब वैक्सीन को शरीर के अंदर लगाया जाता है तो शरीर प्रोटीन की पहचान कर लेता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। डॉक्टर रॉल्फ ने कहा कि वैक्सीन को हमारी कोशिकाओं में भेजा जाता है जहां जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। कोशिका के केंद्र के अंदर लिक्विड पाया जाता है और यहीं पर वायरस प्रोटीन बनाता है। उन्होंने कहा कि कोशिका के केंद्र में पहुंचने पर स्पाइक प्रोटीन का कुछ हिस्सा टूट जाता है और खुद को म्यूटेंट वर्जन तैयार कर लेता है। यही बाद में शरीर में घुसता है और इसी से खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। थक्के जमने से खून दिमाग में पहुंचना रुक जाता है और ब्रेन हैमरेज से मरीज की मौत हो जाती है। डेली मेल की खबर के मुताबिक ब्रिटेन में दूसरी डोज लेने के बाद खून जमने के ज्यादा मामले देखे गए हैं। डॉक्टर रॉल्फ कहते हैं कि इस संकट का एक हल भी है। वैक्सीन को जेनेटिकली बदला जा सकता है ताकि स्पाइक प्रोटीन जब हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करे तो कई भागों में यह न बढ़ सके। उन्होंने कहा कि अभी तक एस्ट्राजेनेका ने उनसे इस हल के लिए कोई संपर्क नहीं किया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।